आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का सेगमेंट में आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं आज का क्वेश्चन। प्रशंसा एवं निंदा दोनों ही अभिप्रेरणा प्रविधियाँ हैं। इनमें से निंदा का प्रयोग करना उचित रहेगा? आंसर, सामान्य छात्रों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व है? आंसर, छात्रों के वांछनीय परिवर्तन में सहायता करना, छात्रों के व्यवहार को शक्ति प्रदान करना, छात्रों के व्यवहार का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दंड का बहुधा प्रयोग विद्यालय अनुशासन को प्रभावी बनाने में किया जाता है। यह दंड अभिप्रेरणा के रूप में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा यदि आंसर अवांछित व्यवहार की दशा में तत्काल दंड व्यवस्था की जाए, अवांछित व्यवहार का परिणाम क्षतिपूर्ण हो, इसे पुरस्कार के साथ प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के लिए अभिप्रेरणा प्रविधियों के प्रयोग के लिए शिक्षक को उनके चयन के अधोलिखित मानदंड को प्रयोग करना चाहिए। आंसर, अधिगम के उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकताएं, अधिगम संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं। आंसर, उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण, पूर्व व्यवहार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं निदान। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अधिगम को मनोवैज्ञानिक रूप में अधिगम नहीं कहा जा सकता है? आंसर, अभिप्रेरणा से उत्पन्न अधिगम, थकान से उत्पन्न अधिगम, परिपक्वता से उत्पन्न अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बुनियादी अधिगम परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं, समीपता, पुनर्वलन, सामान्यीकरण, अभ्यास, विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चंस। समीपता का संबंध है? आंसर, दो उद्दीपनों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय एवं अधिनियम के शिक्षण की उपयोगिता। आंसर, अनुदेशन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, छात्रों को यांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशलात्मक शिक्षण की विशेषता है? आंसर, जटिल क्रियात्मक अनुक्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, शारीरिक एवं मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय, क्रियात्मक क्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौशलात्मक अधिगम की अवस्थाएं हैं? आंसर, ज्ञानात्मक, स्थिरीकरण, स्वाधीनस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि की आधारभूत मान्यता है? आंसर, शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतः प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कक्षा कक्ष में शिक्षक संबंधी अप्रत्यक्ष व्यवहार की कसौटी नहीं है? आंसर,
छात्रों को दंड प्रदान करना। यहीं पर आप सभी से इजाज़त लेना चाहते हैं। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। इतना सम्मान और आदर के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।